सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला कहबा शब रात मेरी जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ भाईजान ना आपको याद करके बच्चों की तरह रोते थे। उसकी तो किस्मत में शायद ये। हाय पापी जी शौहर के बिना कोई कार नहीं बनता। वो मेरा रशीद भी घर छोड़कर चला गया। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मगर वो बेचारी घबराती है। I want to go home। बेटा मुझे तंग मत करो। अब यही घर है और हमने यहीं पे रहना है। ओके? तुम्हें क्या कुछ नहीं सौंप दिया ये इमारत और... इमारत और इख्तियारात में बहुत फर्क होता है मोहम्मद हुसैन साहब। अगर आपकी इसी तरह दखल अंदाजी रही तो फिर ये स्कूल आपको मुबारक। आप खैरियत कुछ चाय? जारा मुझे एड्रेस दो, मुझे एड्रेस दो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। बच्चे नहीं मिलेंगे जब तक तुम पेपर से फाइल। मेरी एक बार बच्चों से बात करा दो, सिर्फ एक बार करा दो, मैं तरस गया उनसे बात करने के लिए। प्लीज हसन स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। पेपर साइन कर दो और जितना मिलना है बच्चों से मिल लो। ओके? हेलो हेलो जान मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। भूल गई क्या मुझे? डैड आई वांट टू कम होम। हेलो हेलो
मना किया था ना मैंने, कभी तो मेरी भी बात मान लिया करो। But he's my dad. And I am also your mother. मेरा ख्वाब था कि यहाँ स्कूल बन जाए और अल्लाह ने मेहरबानी की कि बुनियादें थीं। और अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है डीएसपी साहब? ठीक ठाक। कैसे आना हुआ? बेटे का दाखिला तो नहीं करवाना? नहीं, एक जायदा लेने आया था। इलाका अपना है, नज़र तो रखनी पड़ती है मास्टर साहब। आजकल स्कूल ही सबसे बड़ा गढ़ है। जी जी, आप मुआयना कीजिए, आपकी तसल्ली बहुत ज़रूरी। नहीं, आपके होते हुए यहाँ कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपके होते हुए कुछ भी हो सकता। मास्टर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कानून बनाने वाले या तो सड़कों पर हैं या नजरबंद, और कानून के रखवाले कहीं भी जा सकते। मैं उनमें से नहीं हूं मास्टर साहब, आप मुझे हमेशा ड्यूटी पर ही पाएंगे। इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हसन, स्टॉप बॉदरिंग मी। मुझे आगे देर हो रही है, आई हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। या आई हैव टू फीड योर किड्स। प्लीज ज़ारा, प्लीज देखो, ऐसा ना करना प्लीज। बच्चों को अकेला छोड़ के ना जाना। मैं तुम्हें पैसे भेज तो रहा हूँ, जितना कहती उतने भेज देता हूँ। कब मना किया मैंने तुम्हें? सब तुम्हारा कसूर है। सिर्फ $5,000 भेजो, वरना वो वापस नहीं आएगी। लेकिन मान लो मेरी बात, सिर्फ पैसे का नाटक है ये। लेकिन बच्चे मेरे हैं। आखिर वो भी तो माँ है उनकी। यार वो मेरी बच्चियों से बात ही नहीं करने देती। पता नहीं किस हाल में होगा। Hi. Hi. You're looking nice. Thank you. वैसे ईशा ने तो आपका सारा मेकअप लगा लिया था, लगता है सब कुछ दोबारा खरीदा आपने। सारी खबरें दी उन्होंने तुम्हें। हाँ, ये भी बताया कि बाल आपके अपने हैं। बड़ा नोट करते हो भाई। हर किसी को नहीं। God, you're flirting with me. शर्म करो, छोटे हो मुझसे। हाँ तो फारिग वक्त में इंसान और करे क्या। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अपना चैनल खोलूं तो विल यू जॉइन मी? आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपकी अपने मिलेनियर हस्बैंड से सुलह हो जाती है तो शायद। नो वे, बहुत शकी है वो। बट यू कांट लीव हिम, इसलिए कि आपकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं, जॉब भी बस ऐसे ही मिलेगी आपको। 10 years gap is a big gap. Whatever यार, but I won't go back to him. हमेशा के लिए ना जाए, निगोशिएट करनी चली जाए।
और अगर बात ना बनी तो क्या होगा? As you said, उसका कैरेक्टर फ्लॉलेस है, क्या इल्जाम लगाएंगे आप? क्यों, क्या ये काफी नहीं है कि वो शक करता है? इस कदर शकी है वो कि अगर वो तुमसे मिलेगा ना और हमें अभी यूं देख लेगा तो तुम पे भी शक करने लगेगा। एंड यू नो आई कैन प्रोड्यूस माइक एज माई विटनेस इन द कोर्ट, वो बताएगा कि उसने मुझे मारा है, मुझ पे शक किया, और वो लड़की भी मेरी विटनेस बन सकती है। कौन लड़की है? एक पाकिस्तान से आई हुई है। ओह गॉड, फोन कर। ओह हेलो, ओह नो मेरा बच्चा, मैं अभी आ रही हूँ। जी मेरा बेबी, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं रोना नहीं, मामा अभी आ रही है मेरी जान, व्हाट हैपेंड? अच्छा मेरी बात कराओ। स्वीट हार्ट, व्हाई डिड यू हिट हर? हाँ कमाल, मिला नंबर पारो का? अच्छा यार, मैं माँ से बात करके नंबर लेता हूँ। सर ये सारे के सारे मेन एजेंट्स के साथ मिले हुए हैं। आपके आप देखें इनकी शक्लें देखें सर। ठीक कह रहे हो, ठीक है। हमारी कौम के बच्चे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सही कह रहे हैं सर आप। लगता है मोहम्मद हुसैन के पीछे पूरा माफिया है। चलो सर, मेरे ख्याल में बहुत हो गया, अब यहां से निकलना चाहिए। निकलो, निकलो। एहतियात से ख्याल से। सर रात बहुत हो गई है, घर नहीं जाएंगे? हसन मिर्जा आज खुद से भाग रहे हो, अपने आप से डर रहे हो? वो लड़की नहीं, इट्स रॉन्ग। अगर मेरा घर बन रहा था तो क्या बुरा था? नो माइक, यू डोंट हैव टू कम। I told you I'm busy, but did you send the money? What do you mean by that? Sweetie, I'm broke. I told you I'm broke. I'm thinking of spending the weekend with you. I told you I'm busy, so you don't have to come, all right? All right, then take care, bye. ये भला कैसे मुमकिन है? हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते इम्तिहानात के दिन में, चार दिन पहले या छह दिन बाद। मेरा ख्याल है कि बच्चे नहीं मानेंगे।
लेकिन बच्चे और उनके माँ बाप तो राजी हैं सर। ये 6 बच्चों की लिस्ट है। बच्चों के माँ बाप राजी? ये 6 बच्चे जाएंगे? इनके तो तलफ्फुज भी ठीक नहीं है और इनमें से 2 बच्चों ने तो कुरान पढ़ा भी नहीं। मोहतरम, ये मुझसे पूछे बगैर लिस्ट किसने तैयार की? लेकिन चेयरमैन साहब ने इस्लामाबाद में जमीन दे दी है सर। देखिए, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। चेयरमैन साहब से कहिए अगर वो तकलीफ ना करें तो बेहतर। खुदा बाकी। मेरी एक बात याद रखिए, जिस असलहे की आप हिफाजत कर रहे हैं उस बारूद को कोई और नहीं, आपका बेटा भी इस्तेमाल कर सकता है। इस आसरे पर 13 से 18 साल तक के बच्चों का सौदा किया जाता है। आपके बेटे की भी कीमत लग चुकी है, उसे बचा लीजिए, उसे कहीं छुपा दें, खुदकुशी से बचा लें। वो मुकाबले की नहीं, जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा है। ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम नहीं है बल्कि ड्रग डीलर्स की जंग है, असलहा बनाने वाली कंपनियों की जंग है। उन्हें बेनकाब करने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज।
माल के लिए ये जगह महफूज है। सप्लाई में देर क्यों होती है? जो माल आज आ जाता है साहब जी, हम दूसरे दिन उसे सप्लाई कर देते हैं। बुड्ढे को फनक तो नहीं पड़ गई? इस बात का उसे कोई पता नहीं जी। ये सामान आज ही कराची पहुंच जाना चाहिए। कराची वालों को बहुत सख्त जरूरत है। काम तो हमारा खतरनाक है साहब जी, और हमारी जिंदगी। तकदीर लिखने वाले ने जो लिख दिया है वो अटल है। हम तो बस वसीला हैं। मुल्क संवारने वाले माल तो खा गए, गुर्बत वहीं खड़ी है। आटा चावल महंगा हो गया, लोग भूख से बिलक रहे हैं। इससे बेहतर है कि भूख से मर जाएं, गोली खा के मर जाएं। कोई कुत्ता होगा। सोचता हूँ किसी रोज इसे गोली से उड़ा दूँ। मरना क्या है, वो तुझे ढेर कर देंगे। मरना तो एक दिन है, उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अंदर पड़ा हुआ असला नहीं है, हजार मासूम लाशें जिनके जिम्मेदार हम होंगे। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर। $5,000 कम होते हैं? क्यों भेजता तुम्हें सेता? अब इस तरह ब्लैकमेल करोगे मुझे? मेरी कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जरूरत? कभी तुमने सोचा है कि मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी? हसन, आई एम टेलिंग यू, तरस जाओगे तुम बच्चों के लिए। जो करना है कर लो। यू कांट ब्लैकमेल मी। बच्चों को ब्रेन वॉश करना चाहती है? करो। लेकिन तुम्हें यहां आना पड़ेगा, नहीं आओगी तो भूखी मरोगी। तुम्हारा दिया हुआ जहर इतना है कि मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं है। ठंडी रोटी भाईजान, मैं गरम बना के लाती हूँ। ले जाओ इसको। तुम
नमाज पढ़नी है तुझे? नहीं वो बाजू में ठंड लग रही थी। रोटी तक बनानी नहीं आती तुमको? रशीद बेटा उठो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब्बा जी माफ कर, माफ कर दे। बेटा ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी? मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया अब्बा। सुग्रा? हाँ जी। मेरे बेटे को भूख लगी, दो दिन से इसने कुछ नहीं खाया, जल्दी से खाना ला। मेरा बच्चा भूखा है। अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ खाना। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि तो हर एक से मोहब्बत से पेश आए, हर एक के साथ इस तरीके से हुस्न सलूक। अब्बा जी पुलिस भी आई है, शायद देखने आई है कि कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। अरे बेटा बल्कि हिफाजत कर रही होगी। अब्बा जी घर में कूड़ा करकट हो जाए तो उसे साफ करते हैं, घर छोड़ नहीं देते।
कहाँ भाग रही हो पारो? कोई बुरी बात नहीं है पारो, आई लाइक यू, यू आर रियली ब्यूटीफुल. बिल्कुल चांद, मुझ में क्या बुराई है बोलो? मैं उससे तो अच्छा हूं, तुम्हारा रियली लोनली. आई विश आई कुड जस्ट. भाई जो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे जा लेते. सब कुछ छोड़ो, दिल की बातें. चेंज करके आई हूं. हेलो. हेलो. मत कैसे हो भाई, घर से निकलने की. चलो पानी के लिए तरसोगी तुम घर. मुझे घर जाना है, पानी लेके जा रहा हूं तुमको. चलो इधर. जिस लड़की ने फोन किया था उसकी आवाज बिल्कुल पारो जैसी थी. आई कांट गेट दिस आउट ऑफ माई माइंड. सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला काबा पार नहीं, उस पार नहीं.